वालों का बाजा बजा दिया। सुन्नियों अगर बलियाबी की एक बात मान लो तो 24 आते आते बहुतों का बाजा तुम फाड़ सकते हो। लेकिन बलियाबी को यूं ही पारसनाथ के पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं सुन सकते हो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के हुस्न की गुफ्तगु सुनकर क्या अच्छी फिक्र, क्या अच्छी फिक्र, जिंदाबाद। बड़े बड़े हसीनों ने अपने चेहरे दागदार कर लिए और बहुत सारे कालों ने मुस्तफा के जिक्र और हुस्न की बातें सुनकर बिलाल के कालेपन को याद करके सब्र कर लिया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हाँ ये भी सही है कि हमारे यहां जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती, तीन तीन किलोमीटर का डेकोरेशन और लाइटिंग रोज होती, मजारात पे हंगामे और चादरों की लंबी भीड़ होती, एक चढ़े चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आई हुई अकीदत की भीड़ को अगर हम कोई नुस्खा न देकर भेज सके, आए हुए हुजूम को अगर हम कोई नक्शा न देकर भेज सके, अगर हम अपनी मिल्लत के उन जवानों के आंखों में होश का सुरमा लगाकर न भेज सके, अपनी कौम के बुजुर्गों को अगर हम संजीदगी के माहौल में बकिया उम्र गुजारने का कोई नुस्खे कीमिया देकर न भेज सके, तो माफ कीजिएगा, हंगामे की तारीख तो लिखी जाएगी, आपकी नस्लों की तारीख नहीं लिखी जाएगी। अब ये जितने कमेटी वाले हैं जो मुहर्रम की तरह ला रहे हैं, आलिमों का पहलाम कर दे रहे हैं। हाँ मैं थोड़ी देर के लिए हसन साहब सोच रहा था कि तकरीर कराने ले जा रहा है या पहलाम कराने ले जा रहा है। इसलिए जितने भी कमेटी वाले हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब इत्मीनान से जरा मेरे सामने आकर 10 मिनट सिर्फ बैठ जाइए। जितने भी कमेटी वाले हैं, कमेटी वाले आ जाए, चलिए अब शोरा की बारात आ गई। नदीम रजा फैजी भी आ गए, अजमत भागलपुरी भी आ गए, और जो मुबारक किस्मत पूरे देश में एक ब्रांड है मसलके आला हजरत का शेर व सुखन में, उनका आपने अभी नमूना समाप्त किया, रंग तो अभी बाकी है। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? ऐसे नहीं बलियाबी से बुलवाना पड़ता। मुबारक हुसैन मुबारक कह रहे थे हजरत आज तकरीर कर दीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मिट्टी अच्छी हो तो दाना डाला जाए, वरना पता चला दाना भी बेकार गया और मेहनत भी बेकार गई। बस जल्दी बैठ जा भैया, कमेटी वाले हो ना, अब सीधे नीचे मेरे सामने पूरी टीम लेकर आ जाओ। हाँ, इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियाबी नहीं है, और हम जानते हैं कि किस बालू से कहाँ तेल निकाला जाता है। सरसों से तेल तो सब निकाल लेते हैं। तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह, ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह।
झूम के या रसूल अल्लाह बलियाबी की गुफ्तगू का तीन हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूंगा मौलाना, एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए में, तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना, अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने ये अकीदत है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। गौसे आजम की 11वीं मने ये अकीदत है, लेकिन मेरे बेटे जाहिल न रहे, ये मेरी नस्लों की जरूरत है। गरीब नवाज की चादर चढ़े, ये मेरी अकीदत है, लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने, ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे, ये अकीदत है, लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो। माफ करना, आज कोई एक घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, 1 बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुए 5 मोबाइल, 1 घर में 10 मोबाइल और 1 कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। 1 घर में 10 मोबाइल, सोच ले पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा है, पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा है। तवज्जो चाहो, दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आओगे। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़, और तेरे बलियाबी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था, इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है। असल मास्टर माइंड अमेरिका है, डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल, गर्दा उड़ रहा भैया, कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने, पेटी कॉन्ट्रैक्टर है ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहो, सुन लीजिए मौलाना, कई 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 साल पेटी कॉन्ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलिया भी कहता हो इसराइल तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की गुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवाजी, और इसराइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया, और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्ल